सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सौरभ चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक के एक नए एपिसोड में। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज से। यहाँ पे जो आज की पहली खबर निकल के आ रही है वो है MI यानी कि Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की तरफ से आज बहुत ही यहाँ पे शानदार खबर आ रही है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो और नोट 10 अल्ट्रा, ये जो फोन है वो 26 मई को चाइना के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। 3 फोन है जहाँ पे रेडमी नोट 10 सीरीज के, जहाँ पे जितने भी तीनों के तीनों फोन है ये 5G फोन होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडमी नोट 10 जो अल्ट्रा है ये भी यहाँ पे उसकी फोटो वगैरह भी यहाँ पे बाहर निकल के आ गया है। जहाँ पे आप बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, टेक्सचर वगैरह देखने को मिलता है। और इसमें मैं बताऊँ कि अंडर फिंगरप्रिंट यहाँ पे स्कैनर आपको देखने को मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है रेडमी नोट 10 प्रो में। और जहाँ पे ये डायमेंसिटी 1100 के साथ में लॉन्च होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी ये फोन अगर आता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी नोट डॉट ये लेकिन अभी चाइना के लॉन्च हुआ है, क्योंकि बहुत ही शानदार फोन है रेडमी नोट 10 अल्ट्रा। अगर ये फोन अगर इंडिया में आता जो अभी 1200 की बात हो रही थी उसके साथ या फिर 900 चिपसार के साथ, तो और भी अच्छा मजा आता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जो रेडमी नोट 10 है 8 था सॉरी रेडमी नोट 8 वो फिर से लॉन्च होने वाला है रेडमी नोट 8 2021 के नाम से। जहाँ पे उन्होंने बताया था कि हमने जब ये रेडमी नोट 8 लॉन्च किया था तो हमने ये किया था, ये कमाल करके दिखाया था, उसने ये करके दिखाया था, ये करके दिखाया था। तो एक्चुअली में भी बताया जा रहा है कि हम वो बोल रहे हैं कि 2021 में भी वही फोन लॉन्च करेंगे, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो हमें मैं बात करूं तो अगले महीने तक हमें जो है Redmi Note 8 फोन भी हमें देखने को मिल सकता है 2021 वाला। अभी देखते हैं जो है इसमें क्या चेंजिंग की गई है ताकि इसको जो फिर से लॉन्च किया गया है उसका भी इंतजार रहेगा। बाकी देखते हैं कि Redmi Note 10 में 5G जो आता है, जो भी चिपसेट की बात हो रही थी 900 चिपसेट जो भी चाइना में लॉन्च होना था, उसके बाद 1200 डायमंड से 1200 वो देखते हैं कब तक इंडिया में आते हैं, अगर आते हैं तो किस पर कितना कमाल रहता है। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है सैमसंग को लेके। मैं बात करूँ यहाँ पे सैमसंग के, तो सैमसंग का S21 फैन एडिशन दोस्तों, ये जो फोन है इसकी यहाँ पे कुछ हाई यहाँ पे गिग बेंच जो है उस पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन जो ये फोन होने वाला है। अभी बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे जो इसकी लॉन्च वगैरह है उसका भी पता लगने वाला है कि ये जो फोन है बहुत जल्दी हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन जो ये फोन है जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएंगे। बाकी देखते हैं जब ये फोन आता है तो कितना पावरफुल रहता है, क्या क्या स्पेक्स के साथ आता है, उस किस प्राइस पे ये लॉन्च होता है, इंडिया में हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता है वो भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है यहाँ पे फाइनली Asus 8Z जैन फोन नहीं बोलना दोस्तों, पाप लगेगा क्योंकि इंडिया में कुछ यहाँ पे सीन वगैरह चला हुआ है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे Asus की 8Z की, तो ये बहुत ही जल्दी जो है इंडिया में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्ट भी हो चुका है, तो शायद ये हमें अगले महीने की फर्स्ट ऑफ वीक को देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों जब ये फोन लॉन्च होगा तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह मिल जाएंगी पूरे टेक्निकल सौरभ स्टाइल में। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है गूगल को लेके। गूगल की तरफ से एक और यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि गूगल की जो अमेरिका है, जहाँ पे अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे उन्होंने एक अपना फिजिकल स्टोर ओपन कर दिया, जहाँ पे एक्सक्लूसिव आपको जो है गूगल के प्रोडक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। मैं यहाँ से जाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से तो कौन जाएगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे जाके फिजिकल स्टोर में गूगल के प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं। वैसे अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के पीछे पीछे गूगल भी चल पड़ा है, लेकिन बात करूँ कि एप्पल की, तो एप्पल ने तो 2001 में ही ये फिजिकल स्टोर वगैरह ओपन कर दिए थे, अभी तो उनके बहुत सारे हैं और ये बिलियन ऑफ डॉलर की यहाँ पे टर्न ओवर उनको मिलता है। लेकिन गूगल ने भी अभी इस फील्ड में उतना शुरू कर दिया है, गूगल ने भी पहला यहाँ पे जो वर्ल्ड का न्यूयॉर्क में अपना फिजिकल स्टोर ओपन कर दिया। अभी देखते हैं इंडिया में हमें ये जो स्टोर वगैरह देखने को मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं। बाकी आपको क्या कहना है गूगल के जो स्टोर है फिजिकल स्टोर है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करूं तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से दो खबरें निकल के आ रही है। पहले मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे फेक APK वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो कृपया करके अगर डाउनलोड वगैरह करते हैं तो ऑफिशियली करिए, क्योंकि अभी क्या है कि
जो प्ले स्टोर पे बहुत सारे लोग ऐसे ही एपीके पे स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं, उनपे जो लोगो वगैरह है वो लगा दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे एपीके प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो चुकी है और अनऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी अभी अवेलेबल हो चुकी है। तो आप इन सभी चीजों से बच के रहिए और इन सभी चीजों से जितना, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि हमें क्लिक वगैरह मिल जाए, और बाकी आप इन सभी चीजों से बच के रहिए। लेकिन अगर मैं दोस्तों दूसरी तरफ बताऊं तो यहाँ पे बैटर ग्राउंड वाइल्ड इंडिया की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि जो भी आप, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप, जो अगर बात की जाए पबजी मोबाइल ग्लोबल की या फिर जो पबजी मोबाइल कोरिया में चलता है उसकी बात की जाए, तो उसमें क्या होता था कि जो बैन पैन वगैरह उन्होंने सिस्टम निकाला है कि जहाँ पे कोई हैकिंग वगैरह करता है और कुछ भी ऐसी चीज करता है जिसकी वजह से जो हैकिंग वगैरह मानी जाती है, तो उससे उनका अकाउंट जो है परमानेंट बैन वगैरह किया जाएगा। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि एंटी चीट सिस्टम जो है इंडिया में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, कि जो चीटिंग वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उन्होंने ये बताया है, पबजी वाले यानी कि क्राफ्टन वालों ने ये बोला है, जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया होगी उसमें बिल्कुल भी आप चीटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा अकाउंट को, और इसके लिए वो एक अलग से टीम वगैरह यहाँ पे बैठाने वाले हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप कभी ऐसा करना करना चाहते हैं तो कृपया सोच समझ के करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जो लीजेंड्स हैं उनको मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे बच के रहिए, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, वरना यहाँ से तो जो बैन होंगे होंगे और वहां से भी बैन होंगे। तो अभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए, जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जब आएंगी तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और प्रॉपर रूप से जो है विदाउट हैक के गेम खेलना चाहिए, तब मुझे कहीं जाके मजा आता है। मुझे समझ नहीं आती जो हैक करते हैं उनको मजा क्या आता है गेम खेलने का। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है स्नैप को लेके। मैं यहाँ पे बात करूँ स्नैपचैट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो उनकी कंपनी है उन्होंने अभी क्या किया है कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है एक पैक्चुरल हेडसेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो है डेवेलपर्स है उन लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए नहीं है। तो आई कांट नॉट वाई बिकॉज ये जो है वो डेवेलपर्स के लिए है। लेकिन अगर डिजाइन और एस्पेक्ट के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक वगैरह लग रहा है, बहुत ही यहाँ पे शानदार है। लेकिन बात ये है कि आने वाले जो फ्यूचर है उसमें सभी आज का मतलब ये आने वाले जो फ्यूचर होने वाला है उसमें सभी ऑगमेंटेड रियलिटी जो ग्लासेज है बहुत ही यहाँ पे जो है फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन जो है अभी जो आपकी स्पेक्स है उसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन वगैरह ले पाएंगे। तो एक्चुअली में ये बहुत ही यहाँ पे बड़ी बात है, जो कि इस फील्ड में एक्चुअली बात ही ग्रोथ ही बहुत ज्यादा यहाँ पे फास्टली हो रही है। बाकी आपको क्या कहना है ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं, जो कि AR ग्लासेस वगैरह। और यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो भी Xiaomi को लेके आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो उनकी MI 11 सीरीज है उसमें वो बताया जा रहा है कि Android 12 बीटा उन्होंने रिलीज कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली ऑफिशियली बता दिया है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि आपको ज्यादा टेक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इस काम में मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फास्ट बूट वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक्चुअली में कर तो सभी के दिया है, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं वो ज्यादातर, क्योंकि अभी Beta 1 चला हुआ है, उसके बाद Beta 2 आएगा, फिर Beta 3 कहीं जाके स्टेबल वगैरह आएगा, तो जब स्टेबल आ जाएगा तब आप कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है, प्रॉपर रूप से एक्सपर्ट नहीं है। बाकी अगर अभी अगर करना चाहते हैं तब भी तो जो MI 11 सीरीज है उसमें Android 12 का Beta 1 आ चुका है, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है वन प्लस को लेके। जहाँ पे अगर बात करूँ तो वन प्लस जो वॉच है उन्हें साइबर पंक एक जो है इनके स्पेशल एडिशन जो है वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च करने वाले हैं मेनली। तो ये जो 24 मई को यहाँ पे लॉन्च होगा, जो कि वन प्लस की तरफ से यहाँ पे एक स्पेशल एडिशन होगा। अभी देखते हैं जो साइबर पंक जो वॉच है वन प्लस की वो कितनी खास रहती है और किस तरह की रहती है, किस पैक्स के साथ आती है, और इंडिया में अगर आती है तो किस प्राइस पे आती है, वो तो हमें पता चल ही जाएगा जैसे मुझे और इधर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती है, तो आप मैं बता दूंगा। बाकी आप मुझे ये बताएं दोस्तों कि आप स्मार्ट वॉचेस वगैरह होती है, स्मार्ट बैंड होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ भी जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है सैमसंग को लेके। सैमसंग दोस्तों आजकल जो है फुल ठग लाइफ मोड में चला हुआ है। बात करूं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 5G, अभी इससे इंडिया में लॉन्च हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो इसी के एक्सेसर अभी बताए जा रहे हैं कि M52 5G ये बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा, सरप्राइज मत हो दोस्तों। तो अभी मतलब क्या है कि सैमसंग जो है बहुत सारे फोन लॉन्च कर रहे हैं, कम से कम 15 फोन तो इस साल ही लॉन्च कर दिए होंगे। और बात ये बताई जा रही है कि जो सैमसंग का F52 5G है उसी का ये रिब्रांड बन के इंडिया में आने वाला है। लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे सैमसंग के इंडियन हेड है उन्होंने क्या किया होगा कि झोला भर के रखा होगा और हाथ मार देंगे, ये ले ये ले ये ले, ये निकला फोन इसको कर दो लॉन्च। तो मतलब यहाँ पे मतलब कि
इतने सारे फोन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज करके रख दिया है सैमसंग वालों ने। अभी बात देखते हैं कि जो सैमसंग का जो M52 जो आ रहा है यहाँ पे, वो किस तरह का फोन रहता है और कितना खास रहता है, वो तो हमें आगे चल के पता ही चल जाएगा। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है एयरटेल को लेके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एयरटेल वाले आजकल बहुत ज्यादा परेशान भी चल रहे हैं और साथ साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पे काम नेक काम भी कर रहे हैं। जहाँ पे अगर बात करूँ तो एयरटेल के 300 मिलियन से ज्यादा जो है इन सब्सक्राइबर है इंडिया के अंदर। जहाँ पे जो अभी क्या कर रहे हैं, जो कि कस्टमर्स हैं उनको अलर्ट वगैरह भेज रहे हैं कि जो बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड वगैरह चले हुए हैं, स्कैम चले हुए हैं, कोविड के जो सेकंड वेव आई है उसके दौरान इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे स्कैम वगैरह चले हुए हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो अभी क्या है, उनको अलर्ट कर रहे हैं कि अननेसेसरी जो भी ऐसे लिंक्स हैं, कोई कॉल वगैरह आती है तो उसका रिप्लाई मत दीजिए, उस पर क्लिक मत करिए क्लिक वगैरह पे। तो अभी यहाँ पे ऐसे स्कैम है उनसे बच के रहिए। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता जो ये स्कैमर्स हैं, मतलब कि इतना ज्यादा फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता इनका कोई मतलब कि धर्म भी है एक्चुअली में। जब ये मतलब कि क्योंकि हर किसी को मर के ऊपर ही जाना है, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, कि हमने जब पूछा जाएंगे उनसे कि कहाँ से पैसा लाए तो क्या बोलेंगे। तो मतलब कि मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे शर्म नहीं आती है उनको कि एक्चुअली में करते तो करते क्यों है, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन चली हुई है उसके बावजूद भी कोविड की इंडिया में बुरा हाल है सभी का, उसके बाद भी उनको लूटने की पड़ी हुई है। बाकी मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, बाकी आपको क्या कहना है इनके बारे में वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी चाहे एयरटेल हो या कोई भी एनीथिंग हो, किसी भी ऐसी वेबसाइट व्हाट्सएप या SMS नॉर्मल होता है उस पे जब भी कोई ऐसे लिंक वगैरह आता है, कुछ भी ऐसी चीज आती है, तो प्रॉपर रूप से जब आपको लगे कि प्रॉपर रूप से सिक्योर है तभी क्लिक करिए, वरना इग्नोर कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात वो इग्नोर करिए और जहां तक हो सके इनको रिपोर्ट मारिए ताकि ये आगे फैले भी नहीं। और क्योंकि अभी क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम का भी यहाँ पे जो सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप जो है गलती से क्लिक वगैरह कर देंगे तो आपको पता नहीं कि आपका डाटा क्या जा सकता है। और कभी भी जो कॉल वगैरह भी आती है उसमें भी जो अन्य जो है जो ज्यादा का जानकारी है वो मत दीजिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो जिसमें आपको लगे कि ये सिक्योर नहीं है तो जानकारी मत दीजिए, सीधा कॉल ही काट दीजिए और बच के रहिए, सेफ रहिए। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है एपिक को, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या है, एपिक पे यहाँ पे सेल वगैरह चली हुई है, $10 की कूपन यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे 75 मतलब की 750 रुपए के यहाँ पे जो है कूपन वगैरह मिल रहे हैं। जहाँ पे जो गेम वगैरह अगर डाउनलोड करते हैं एपिक के थ्रू तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे अगर एक्चुअली में आपने अपनी गेम परचेज कर भी ली है जो 1000 रुपीज की अभी भी, तो आप उसमें आपको अब उसको यूज कर सकते हो, तो आपको उसमें 75 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एपिक यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कमाल की मतलब की चीजें कर रहे हैं। जहाँ पे बात करूँ तो एपिक ने कुछ ही समय पहले जो है अपनी एक समय पे GTA जो 5 है उसको फ्री कर दिया। तो एक्चुअली में यहाँ भी बहुत ही कमाल कमाल के ऑफर अभी देखने को मिल रहे हैं एपिक की तरफ से। अगर आप इस ऑफर का भी फायदा उठाना चाहते हैं तो आप एपिक की वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे जो अगली खबर निकल के आ रही है वो है व्हाट्सएप को लेके। अभी व्हाट्सएप की तरफ से बहुत ही यहाँ पे कमाल का अपडेट आ रहा है, आने वाला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड आईफोन अगर आप इन दोनों के बीच में कभी चेंज ही करते हैं एंड्रॉयड से आईफोन में, तो आप जो है अभी चैट जो माइग्रेट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे ईजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या करते हैं करने पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप माइग्रेट वगैरह कर सकते हैं अगर आप इधर उधर जो है फोन वगैरह भी माइग्रेट करते रहते हैं। तो आप एक्चुअली में बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का अपडेट होने वाला है, जहाँ पे आपको नंबर वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ मतलब की अगर नंबर वगैरह चेंज करते हैं अदर प्लेटफॉर्म पे तो आप इजिली कर सकते हैं, मतलब की अदर जो फोन पे आप चेंजिंग करते हैं तो बहुत ही आप इजिली यहाँ पे इस क्रॉस टू प्लेटफॉर्म का यहाँ पे अपडेट अभी सेम जो व्हाट्सएप की तरफ से भी हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप को फिर से वही है, मुश्किल का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी चली हुई है, जहाँ पे व्हाट्सएप बोल रहा है कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी लाऊंगा और जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है नहीं। तो मतलब एक्चुअली अभी देखते हैं, 25 मई का यहाँ पे टाइम मिला है, अभी देखते हैं क्या होता है क्या होता है, वो तो हमें जैसे मुझे और जानकारी मिलेगी व्हाट्सएप को लेके वो आपको मैं प्रॉपरली अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जो आज की आखिरी खबर निकल के आ रही है वो है ओपेरा को लेके। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओपेरा का जो है उन्होंने एक ऐसा ब्राउजर लॉन्च कर दिया है जहाँ पे ये गेमिंग सेंट्रिक मोबाइल ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, Opera GX। अभी दोस्तों बात यह है कि मैंने अभी तक जो है ब्राउजर तो ऐसा सुना नहीं, लेकिन बात करूँ तो गेमिंग फोन के बारे में सुना है, गेम के बारे में सुना है। अभी गेमिंग ब्राउजर क्या होता है, एनीवेज वर्ल्ड फर्स्ट गेमिंग ब्राउजर Opera GX मोबाइल। तो अगर आप इसको भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आज का फैक्ट है कि आपको पता है दोस्तों कि 1918 की बात है, जहाँ पे गैम्बलर था जो कि जुए में जो है गैम्बलर है, जुआ होता है, उसमें $7,50,000 पे
हार गया था। और उसके बाद उसने क्या किया कि जिस कसीनो में वो हारा था उस कसीनो में उसने बम वगैरह लगा दिया था। लेकिन उसके बाद जो है जो कसीनो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे धराशायी हो गया। FBI ने पूरी कोशिश की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई। तो अभी दोस्तों मैं क्या बोलूं इसके बारे में, तो आई एम स्पीचलेस। दोस्तों बस आज की टेक न्यूज यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले। और अगर कोई आपको सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।